सुनो भाई, हम मालिक से कब से बिछड़े हैं किसी को पता है? जुगों के जुग बीत चुके हैं, पता नहीं कितने सतयुग बीत चुके, कितने त्रेते बीत चुके, कितने द्वापर बीत चुके, कितने कलयुग बीत चुके, कई दफा परले हुई, कई दफा महापरले हुई, हमारा छुटकारा नहीं हुआ। सबने कोशिश की है, कसर किसी ने नहीं छोड़ी। विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया, मालिक की प्राप्ति तो क्या होनी थी, मन भी काबू नहीं आया। श्रृंगी ऋषि ने 88,000 साल तप किया, मालिक की प्राप्ति तो क्या होनी थी, मन भी काबू नहीं आया। सोच लो, पराश्चर्य जी पूर्ण योगी होकर आए, मन काबू नहीं आया। सोच लो, जाप किए, तप किए, यज्ञ किए, योग किए, किसी का छुटकारा नहीं हुआ। जो असली भक्ति है उसका पता नहीं। अगर भक्ति ठीक होती तो मालिक की प्राप्ति ना हो जाती। अब भी हम कह रहे हैं, कभी किसी ने विचार किया है कि मालिक की प्राप्ति नहीं हुई? अगर प्राप्ति नहीं हुई तो मन काबू आया? कहते तो सब हैं कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, किसी का मन काबू आया? कोई काम करो लोगों कार घटे, कोई आशा तृष्णा घटी? सोच लो, कोई मालिक का प्रेम ही उठा? जैसे मीरा ने कहा, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को है। कोई ऐसा बराग आया किसी को? अगर ये भी नहीं तो फिर करने का क्या फायदा हुआ? जितनी हम भक्ति कर रहे हैं ये काल के दायरे की है, इसलिए छुटकारा नहीं। ये शब्द आते हैं, एक दिन घोगड़ा सिरे, तीन लोक और 14 भवन में इस घोगड़ का राज। सोच लो, कभी किसी ने विचारा है? तीन लोक और 14 भवन में इस घोगड़ का राज आए, अचानक क्यों पकड़ेगा? जो चिड़िया ने बास, सबको खा गया ना, सबको खा गया, किसी का छुटकारा नहीं हुआ। त्रिलोक की तक, तीन लोक और 14 भवन में इस घोगड़ का राज। 14 भवन क्या? इंद्र लोक, ब्रह्म लोक, शिव लोक, सबको खा गया, किसी का छुटकारा नहीं हुआ। एक विषय ने कहा है, तीन लोक का पिंजरा भया, पाप दो जाल, सकल जीव सावज भय एक हेरी काल। त्रिलोकी एक पिंजरा है जिसमें पाप और पुण्य का जाल है, सारी दुनिया पाप और पुण्य में उलझी हुई है, किसी का छुटकारा नहीं। ये समझने की बात है खास, कि जब मालिक ने इस सृष्टि रचने का ख्याल किया तो पहले दो ताकतें पैदा की। कबीर साहब कहते हैं, काल अकाल खसम का कीना ए परपंच वधावन। अकाल वो ताकत है जिसको हम सतपुरुष कहते हैं, सतगुर कहते हैं, जो फना के दायरे से परे है, जो हमेशा कायम है, जिसको गुरु नानक साहब ने कहा, आज सच जुगा सच छपी सच नानक होसी भी सच। काल का दायरा फना तक है। काल को सृष्टि रचने का हुक्म हुआ, अब उसने मालिक के हुक्म से ये सृष्टि चलानी है। चलाने के लिए उसने क्या किया है कि जीवों को लेकर कैद किया हुआ, आत्मा को तीन शरीरों में कैद किया है। पहले कारण शरीर है, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, उसके ऊपर ये स्थूल शरीर है जो हम देख रहे हैं। और क्या किया है? पाप और पुण्य का जाल डाला हुआ है। ये एक बीज है जिसे दुनिया चलती है, पाप पुण्य बीज की पोट। गुनान साहब ने कहा है, यही महात्मा चरणदास कहते हैं, पाप पुण्य के सत्य ही ठहरा ब्रह्मांड, इन दोनों की मिटती हो खंडू खंड। विल्ले जन को होता है पाप पुण्य की सूझ, सोई उतरे भाव जाल से बहुते रहे रूझ। सारी दुनिया पाप और पुण्य में उलझी पड़ी है, अच्छे और बुरे कर्मों में उलझी पड़ी है।
पाप को बुरे कर्म तो, को तो सब बुरा कहते हैं, किसी ने पुण्य को भी कहा है, वो भी इसके लिए हथकड़ी है। कृष्ण भगवान ने कहा अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों ही हथकड़ी हैं, एक सोने की समझ लो एक लोहे की समझ लो, सोच लो कृष्ण भगवान का वचन है, दोनों ही हथकड़ियां हैं। ये है किसी को फर्स्ट क्लास जेल मिल गई, किसी को सेकंड क्लास मिल गई, किसी को थर्ड क्लास मिल गई, रहा जेली का जेली। अगर स्वर्गों में है तब भी तन मन का पिंजरा है, नरकों में है तब भी तन मन का पिंजरा है, इस मृत्युमंडल में है तब भी तन मन के पिंजरे में कैद है, छुटकारा किसी का नहीं। जो पे काल पर्यंत नर जीवे कोई तो भी होवे नाश ब्रह्मा के संग ही। काल पर्यंत एक म्याद है जो तकरीबन 1000 चौकड़ी झुकी हुआ करती है, उसके बाद जैसे ये अफसर रिटायर हो जाते हैं वो भी रिटायर हो जाते हैं, स्वर्गों के सुख भोगे फिर 84 तैयार है। कृष्ण भगवान ने लिखा है कि हे उदो, ये जो कीड़ा जा रहा है ये कई दा स्वर्गों का राज अंदर बना, कई दा सृष्टि का कर्ता ब्रह्म बना, आज ये कीड़ा है फिर उन स्वर्गों का क्या फायदा। सोचो नरकों में गया, बुरे कर्म किए, नरक भोग कर फिर 84 इसी तरह भुगते भुगते हमें युगों के युग बीत चुके। ये जो हम भक्ति करते हैं ज्यादा ज्यादा स्वर्गों तक जा सकते हैं। वीर साहब ने लिखा है नेम धर्म आचार यज्ञ तप ये उल्ले व्यवहारा जासे मिले अखंड मोक्ष सुख सो मार्ग है न्यारा, वो रास्ता ही आ रहा है। काल जाल से बांचा चाहो गहो शब्द तत्सारा, कहे कबीर अमर कर रखो जो पर को टकसारा, एक शब्द गुरु की भक्ति जो छुड़ाने वाली है। अकाल पुरुष की कह लो, सतपुरुष की कह लो, सतगुरु की कह लो, वो छुड़ाने वाली है। जो सृष्टि का रचना काम है वो काल के स्पुर किया मालिक ने, जो इसके जन्म मन के बंधन छुड़ाने का है वो उसने अपने हाथ में रखा है, ये उसने अपने हाथ में रखा है। दाते दात रखी है अपने जिस पावे तिस दे, ये क्या कहता है धर्मदास का शब्द है कि सतगुरु आया बंजारा, कहां से आया सतगुरु, सतगुरु कहां से आया, बाहर कोई सतगुरु नहीं, एक ही सतगुरु है जो जन मन के बंधन छुड़ाने वाला है। सुन हृदय तुलसी साहब कहते हैं सुन हृदय सतगुरु सहदानी, सतगुरु सत पुरुष को जानी, चौथे पद में करे निवासा, तीन लोक में काल का वासा, त्रिलोकी तक काल का दरा है तीन, वो सतगुरु चौथे लोक में रहता है, उसका पता ही किसी को नहीं, काल ने भुला छोड़ा है सबको, कर्म और धर्म में फंसा रखा है। ये सब बंधन है, कर्म धर्म सब बंधना, पाप पुण्य संबंध ममता मोह से बंधना, पुत्र कुल त्रिसो धन, जहां देखा था जूरी माया का संबंध, नानक सच्चे नाम बिन बर्तन वर्ते हम। सोच लो ये सारे जितने हैं सब बंधन है, छुड़ाने वाला सतगुरु चौथे लोक में रहता है, वहां से आया, हमें पता ही नहीं कहां जाना है, कर करके थक गए, अगर वो ना है ले जाने वाले कोई नहीं, वो आता जरूर है दुनिया में, ऐसे हमें समझा बुझा कोई नहीं सकता। ब्रह्म बोले काया क्यों ले, काया बिना ब्रह्म क्या बोले, साध रूप अपना तन धारिया हमारा परथा बड़ा विवेकी आपे संत कहावे, ये ईसा ने कहा द वर्ड वॉज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंगस्ट अस, कि वो शब्द दे धार कर हमारे दरम्यान में रहा, उसका रूप क्या शब्द, वो सतपुरुष का रूप क्या है शब्द, किस रूप नरेफ अनाहत बाजे शब्द रंजन आप किया, वो शब्द एक कुदरती आवाज है, सच्चे मालिक की सच्ची आवाज है जो फना के दायरे से परे है, वो लिखने पढ़ने की चीज नहीं, सारी दुनिया ग्रंथ और शास्त्र में फंसी पड़ी है, वो लफ्जों में आने वाली चीज ही नहीं, ये लफ्ज तो ज्यादातर लोग की तक काम करते हैं, 52 अक्षर लोक त्राय सब कुछ ही नहीं माए, ये अक्षर खिर जाएंगे अक्षर इनमें ना है। सोचो जिस वक्त मौत आती है जब इसकी चेतन सत्य निकालते हैं, जब जुबान से निकली तो इन लफ्जों का बोलना खत्म, कानों से निकली तो इनका सुनना खत्म, आंखों से निकली इनका देखना खत्म, आगे मन चित्त बुद्ध अहंकार का स्टेशन है उसका चित्रण खत्म, साथ क्या गया बोलो, ये तो यही रह गए, बल्कि इस दुनिया में ही काम नहीं करते, हमारे लफ्ज इंग्लैंड में काम नहीं करते, अमेरिका में काम नहीं करते,
सोच लो, ये तो यहीं रह गया। वो सच्चे मालिक की जो आवाज है वो लिखने पढ़ने से परे है। शब्द सब सबको कहे वह तो शब्द बदे, जीवा पर आवे नहीं निर्ख पर कर ले। ये गुरु नानक साहब ने कहा चेहन भरने छाया माया नानक शब्द पछाणे। यही ईसा ने कहा है कि घास सूख जाएगा, फूल मुरझा जाएंगे, लेकिन खुदा का कलाम हमेशा जारी रहता है। वो फना के दायरे से परे है। वो सतगुरु आता है, महंगी चीज अमोलक लाया, ऐसा है दातारा रे। क्या चीज लाया? महंगी चीज। और भाई भागों से कोई संत ऐसा मिलता है? अगर मिल जाए फिर उनकी शरण में जाए तो ठीक रास्ता मिलता है, ऐसे नहीं। नहीं तो कर करके थक गए, किसका छुटकारा हुआ? हाँ, पढ़ पढ़ के थक गए, ज्ञान छांट छांट के थक गए, कोई अंदर शांति आई? अगर शांति नहीं आई, काम क्रोध नहीं घटे, तो करने का क्या फायदा हुआ? बोलो, शांति के लिए करना था? ज्ञानी आ उसमें सड़ सड़ के मर गए, वो कहता मैं ठीक हूं, वो कहता मैं ठीक हूं। इस ज्ञान ने तो दुनिया की मिट्टी पलीत कर दी। सोच लो, मन बुद्धि ने मिट्टी पलीत की है। एक एक मजहब के कितने कितने फिरके बन गए, मुसलमानों के 72 फिरके हैं, उसमें हर साल शिया सुन्नी की लगती है। हम इस दफा मारवाड़ की तरफ गए, वहां लोसल में वो ट्रक खराब हो गया था, वहां खड़े गए तो वहां एक मुसलमान आ गया, प्रेमी से बातें करने लगा, फिर हमारे पास आ गया। उन दिनों में वो ताजिए थे, ताजी खत्म हुए थे। हमने पूछा भाई चौथे पांचवें ताजिए थे तुम्हारे, इतने पैरे क्यों लगे हुए थे पुलिस के? कहने लगे इसलिए कि उसमें लड़ना पड़े। तो मुसलमान मुसलमान से क्यों लड़े भाई? जब मुसलमान मुसलमान से लड़ता है तो मुसलमान ने कहीं पता नहीं। हफ्ज़ ने लिखा जंग हफ्ता दो मिलत हमारा उजर बने क्यों नदीद हकीकत रहे सनद कि हमारे 72 फिरके आस में क्यों लड़ते हैं कि वो बेचारे माजूर हैं, उनको पता नहीं असलियत का, इसलिए लड़ते हैं। अगर असलियत का पता चल जाए क्यों लड़े हैं? बोलो, कोई तो गलत था। सोचो, ये मन बुद्धि ने खराब किया है। ईसाइयों के कितने बन गए, सिखों के कितने बन गए, वो कहता मैं ठीक हूं, वो कहता मैं ठीक हूं। इस मैंने मार दिया, मन बुद्धि ने मार दिया। जहां जहां हमारे ख्याल जाते हैं वैसे वैसे अर्थ निकाल लेते हैं। कबीर साहब ने कहा अंधे मिल हाथी छुआ, अपने अपने ज्ञान अपनी अपनी सब कहें किसको दीजिए कान, अंधों का हाथी सही हाथ ट्रोल ट्रोल, आंखों से देखा नहीं ताते भिन भिन बोल। किसी ने पूंछ को हाथ लगाया, उसने कहता रस्से जैसी है। किसी ने टांग को हाथ लगाया हाथी की, वो कहने लगा थम जैसा है। किसी ने पेट पे हाथ फेरा, कहने लगा दीवार जैसा है। किसी ने कान पे कान को देखा, वो कहता छत जैसा है। इसी तरह हमारा हाल है। कोई बिरला फकीर है जिसने वो नतीजा निकाला है, जहां जहां देखो तय तय साचा, बिन बुझे झगड़े जा काचा। अगर कोई फकीर ठीक मिल जाए अंदर जाने वाला, सोचो हम कितने पढ़े लिखे हो, एमए हो, डबल एमए हो, ट्रिपल एमए हो, हमारे पास डॉक्टरी की किताबें पढ़ी हो, हम उनको समझ नहीं सकते। डॉक्टरी समझा सकता है? इसी तरह इन ग्रंथों को कोई काम फकीर ही समझा सकता है, वो सबका नतीजा एक निकाल देगा। ये मन बुद्धि ने खराब किया है। हाँ और भाई महात्मा शंकराचार्य ने लिखा है कि वेदों का अर्थ करके जिसे आत्म ज्ञान नहीं हुआ, सोचो माल की प्राप्ति नहीं हुई तो वो पशुओं से बढ़कर पशु है। बोलो, ज्ञान क्या करेगा? हाँ, संत शरण जो जीव रहे कहे जो उनकी बाहा, था बतावे समुंद की बलि भव जल मा है, ऐसे हृदय संत स्वभा जल पार लंघावे था।
जहाज सुरतों की नित चाले, समुंदर पार भरावे माले, भरती भरे सुरत की डो पहुंचे पार जहाज को छोड़ी, माल मिलायत में जा बेचे, मेवा आन खरीदी खेचे। तुलसी साहब अपने श्री शिरदे को कहते हैं कि जैसे एक व्यापारी व्यापार करता है, बंज करता है, क्या हिंदुस्तान का माल वलायत में ले जाता है, वहां से दूसरा माल इधर लाता है जहाज में, इसी तरह जो संत हैं वो यहां से सुरतों की डोरी, क्या जीपों की डोरी पकड़ के माल की दरगाह में ले जाते हैं, ये व्यापार करने आते हैं, वहां से नाम का खजाना लाते हैं जो खुशी और शांति देने वाला है, जिसको मीरा ने कहा पाया अरे मैंने नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रे समायो, दुख सुख सब भूल गए आनंद ही आनंद है, शांति शांति है, जिसकी चोरी कबू ना हो ऐसा धन में पायो, खर्चून लाख खत्म नहीं हुए दिन दिन वर्ष सुवायो, वो वहां से वो नाम का खजाना लाते हैं, पता नहीं हम कब से बिछड़े हैं मालिक से, ये हमारी जो रूह है काल के देश में आकर मिट्टी का रूप बन चुकी है, मिट्टी का रूप बन चुकी है, हमारे सामने सिवाय मिट्टी के कुछ भी नहीं, देश भी मिट्टी के, कौमें भी मिट्टी की, खाई भी मिट्टी, पी भी मिट्टी, मिट्टी पाली, आत्मा का क्या बना, बोलो सोचो, मिट्टी का रूप बन चुकी है, और काम क्रोध के संग में आकर इसको मोह माया की बीमारी लग चुकी है, ये इतनी कमजोर हो चुकी है कि इसको उठने की ताकत नहीं, जब कोई सख्त मरीज होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, सख्त से सख्त इंजेक्शन लाते हैं ताकि इसको ताकत आए फिर दवाई करें, इसी तरह आत्मा की खुराक, आत्मा का इंजेक्शन वो नाम का खजाना है, वो वहां से नाम का खजाना लाते हैं, यहाँ आकर जीभ के अंदर इंजेक्शन देते हैं, वो ना तन में देते हैं ना मन में देते हैं, सीधा आत्मा में देते हैं, यही गुरु नानक साहब ने कहा है, गुरु का शब्द गुरते टिके होते प्रगट ना होए, कोई बिरला फकीर है जो ऐसा इंजेक्शन करता दो लफ्ज तो हरेक ही बता देता है, जब सोचो ये तो एक छोटी बच्ची भी बता सकती है, राम राम करे जाना भाई, सोंग सोंग करे जाना, वो ऐसा इंजेक्शन देते हैं, वो एक बीज है, वो आत्मा को उठाता है, यही ईसा ने कहा दैट विच इज बॉर्न ऑफ द फ्लैश इज फ्लैश, दैट विच इज बॉर्न ऑफ स्पिरिट इज स्पिरिट, कि जैसे मांस से मांस पैदा होता है, क्या आदमी से बच्चा पैदा होता है, इसी तरह जागी हुई रूह से रूह जागती है, जो खुद ही नहीं जागी वो हमें कैसे जगाएगा, बोलो जिसके काम क्रोध के बंधन नहीं छूटे हमें कैसे, हमारे कैसे छुड़ाएंगे, सोचो हा? वो ऐसा इंजेक्शन देते हैं, वो असली नाम है, लफ्ज नाम नहीं, ये लफ्ज नाम नहीं जो बताते हैं फकीर, ये तो हमारे ख्याल निकालने के लिए है, अगर ये नाम भी जपे फिर भी अंदर सोचो, अगर दवाई ना खाए जो इंजेक्शन है वो तो नहीं जाता, हमारे यहाँ अमरपुर में एक बिगड़ का आदमी आया, नाम ले गया, जब घर गया भैंस ने दूध ना दिया, घर वालों ने पूछा कहाँ गया था, कि मैं अमरपुर गया था संतों से नाम लेकर आया हूं, अच्छा नाम लेकर आया है, भैंस ने दूध ही नहीं दिया, कहने अच्छा भाई मैं जाता हूँ वापस कराता हूँ, अगले दिन गया, बाबा जी एक अर्ज करनी है, क्या, कि जी मैंने नाम वापस करना है, क्यों,
जी भैंस ने दूध नहीं दिया। सांझ कहने लगे कि भाई तू छोड़ दे तो छोड़ दे, पर ये नहीं छोड़ता, ये जपड़ा तो छोड़ देगा, जो इंजेक्शन का वो तो नहीं निकल सकता। सोचो वो निकल सकता है? वो नाम है, वो ये खजाना लाते हैं, जब तक वो इंजेक्शन ना हो। इसी को कहते दीक्षित होना, मुसलमान कहते बाई थोना, अंग्रेज कहते इनिशिएशन, सिखों में कहते जियादान, इसका नाम जियादान है। ये जब तक ऐसा की नहीं मिलता, जब तक इसकी कल्याण नहीं, जब तक आदमी को ताकत नहीं मिल सकते, बल नहीं मिल सकते, इसको होश नहीं आ सकती। हाँ जम्बू दीप मुल्क के माही, ये देश जमो का खाजा बना पड़ा है। कहा ना कबीर ने, तीन लोक और चौदह भवन इस गोकुल का राज है, जमदूतों का खाजा है ना, हुआ ना हुआ, इसमें कदर नहीं, किसी बिरले ने कदर की है। और कबीर साहब आए तो कुराइया, क्यों? वो कहता था तुम्हारे अंदर सतगुरु, उसको पकड़ो, ये कर्म धर्म पूजा पाठ में उलझा रहा, सोच लो निचली भक्ति में उलझा रहा। गुनान साहब आए कुराइया कुराइया कुराइया, कबीर साहब आए चिंचला उल्टा ज्ञान खिला रहा है, पलटू साहब आए उसको जिंदे फूका, सोच लो जिंदे जला, कदर नहीं, किसी बिरले ने कदर की है। कबीर साहब ने लिखा है जुगन जुगन हम आए जनाई, कोई कोई हंस हमारा हो, कहे कबीर धुर पहुंचाऊं सत पुरुष दरबारा हो, कोई कोई कहो नानक कोटन में कहू जो भजन राम को पावे, कोई बिरला कोई बिरला, सोच लो कोई बिरला। गुनान साहब का वचन है, कबीर साहब का वचन है, अगर उनका कहा मानते उस वक्त तो कोई ना मानना, अब नानक नानक करते, अब कबीर कबीर करते हैं, सोच लो अब पलटू पलटू करते हैं, उस वक्त तो कोई ना मानना। यही दादू साहब ने कहा है, दादू कहत पुकारी कोई माने नहीं हमारी, पंडित काजी भेद कतेबे पट पट मुए लवारी, वह तीर्थ वह हज को जाते बूढ़े भव जलधारी, ईसाई सब धोखा खाया पढ़न जील बिचारी, हिंदू तुर्क साई तीनों कर्म धर्म पछारी, नूर जहूर खुदा हम पाया उतरे भोजल पारी। कि मैं कहता हूँ मैंने नूर जहूर खुदा देखा है, आओ तुम भी देखो, कोई कर्म में फंसा है, कोई धर्म में फंसा है, कोई पूजा में फंसा है, कोई पाठ में फंसा है, कोई तीर्थ में फंसा है, कोई ज्ञान में फंसा है, कोई ध्यान में फंसा है, कहता है कोई मानता ही नहीं, किसी की ना मानी। हाँ जी जम्बू दीप मुलक के माही, खलक माल को चीने नाही, गली गली मेले दर्शावे, हे वाले ओ जो जिन को चावे। यहाँ मनादी के लिए आते हैं ना, कि मैंने ऐसी कंदम निकाली है, ऐसा बीज निकाला है कि 60 मन किले का निकलता है। वो कहता है ऐसा गन्ना निकाला है 100 मन गुड़ निकलता है किले का। इसी तरह फकीर भी आकर होका देते हैं, आओ भाई जिसने सौदा लेना है ये ले लो, आओ जिसने सौदा लेना है, कोई गाहक नहीं इसका। बार बार कह कर गोरा आले, देखे सुने समझ कर कहते
उसकी कीमत देनी मुश्किल है। फकीर लेते भी कुछ नहीं और छोड़ते भी कुछ नहीं, लेते भी कुछ नहीं और छोड़ते भी कुछ नहीं। जब राजा जनक ने ज्ञान मांगा तो अष्टावक्र ने कहा कि ज्ञान की दक्षिणा भी हुआ करती है। वो कहने लगा क्या कि तन मन और धन कि मैंने दिए, कि फिर सोच ले कि नहीं दिए, कोई अधिकारी रू था कि अच्छा तन मन धन मेरा है कि हाँ, कि उठ के तख्त से जूतियों में बैठ जा संगत की। अब जूतियों में बैठना आसान है बादशाह को रैयत के सामने, लेकिन अधिकारी रू था बैठ गया, वाकई मैं दे चुका हूं भाई। क्यों किया? इसकी मार मिटाई का ख्याल निकल जाए, हंकार निकल जाए कि मैं राजा हूं, फिर उसका ख्याल महलों में जाए, खजानों में जाए। तो उसने कहा भाई खजाने मेरे हैं, महल मेरे हैं कि हाँ, किस तरफ ख्याल न ला। उसने कहा वाकई ठीक है मैं दे चुका हूं। वहां से ख्याल तोड़ा, अब मन संकल्प कल्प उठाता है। उसने कहा क्या मन मेरा है कि हाँ, अब संकल्प कल्पना उठा। जब उसने ख्याल को रोका, कोई प्राणी भक्ति थी रूप पर चली गई, तसल्ली हो गई, ज्ञान हो गया। पूछा ज्ञान हो गया? जी हो गया, कोई कसर नहीं। अगर संभाल अपना तन मन धन, लेकिन अपना न समझना, सतगुरु का समझना, मालिक का समझ के काम करना। सोचो लिया क्या और छोड़ा क्या, ये जीव तन मन के बंधनों में फंसा हुआ है, तन का मन का धन का है तो अनेक बंधन, माँ बाप बहन भाई सब बंधन है, इसको पता नहीं। बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या और नार, बंधन कर्म धर्म हो किया, बंधन पुत्र के लित्र मन दिया, बंधन वेद बाद अहंकार, ये सब बंधन है। अनेकों बंधन में फंसा पड़ा है, इसको पता नहीं। कौमों के, मजहबों के, देशों के, यारों के, दोस्तों के, अनेकों बंधन में फंसा पड़ा है। ये बंधन तोड़े तो आजाद हो आत्मा, जब तक आजाद नहीं बंधन को कैसे जा सकती है? बोलो सोचो कैसे जा सकती है? ये तो बंधी पड़ी है। हमारे एक शब्द बोलते हैं सुबह वाणी में, सतगुरु की सेवा सफल है, जो कोई करे चितलाए, बंधन तोड़े मुक्त होए, साचे रहे समाए। ये बंधन तोड़े तो मुक्त हो, तो आजादी हो। बोलो पहले तो यहां से ही नहीं बंधन टूटते, सूक्ष्म बंधन पड़े हैं, कारण बंधन पड़े हैं, इसको पता नहीं। ये बंधन तोड़ने मुश्किल है, बस बात ये है। फिर कहते ये नहीं, ये मुश्किल है, वो आसान काम है बाकी का बाहर का। ये बंधन तोड़ने मुश्किल है, तब इसकी कदर नहीं। कौन तन का प्यार छोड़े, कौन रात को जागे, कौन विषय विकार छोड़े खाना पीना, बोलो सोचो। तो वैसे तो मुक्ति नहीं मिलती बातों से, जब तक बंधन नहीं छूटते। इसलिए महंगा सौदा है, तभी कहते हैं ये तो महंगा है, चलो भी हटो भाई। कोई बिरला ग्राहक है इसका? हाँ, देखे सुने समझ, जैसे मीरा ने किया, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। उसको क्या दर्द था? बादशाह उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, क्या कमी थी? बोलो यही कमी थी, जिसने ये कमी समझी उस पे मल की दिया है, वो इसका ग्राहक है। उसको मिलता है रविदास, मिल गया ना, मिल गया। अगर सच्चे दिल से पुकार करे तो मालिक जरूर ऐसा फकीर मिलाता है। हमारा दिल सच्चे नहीं, हम क्या चाहते हैं? या बाल बच्चे, या जमीन जायदादें? कबीर साहब ने कहा है, ऐसी दुनिया भई दीवानी, भक्ति भाव नहीं बुझे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजे जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई करावे ब्यास गाय भेंट रुपया लीजिए जी, आखिर कहते हैं अंधों को क्या कीजिए जी, सांझ का कोई गाहक नहीं। सोचो मैं या मान बड़े गाहक है, सोच लो। ये तो दीन तर गरीबी का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। जिसने सच्चे दिल से पुकार की, मालिक ने उसका उसके लिए बंदोबस्त किया है, बाकी का हक ही नहीं, उसको उनका जरूरत ही नहीं। मालिक से तो जो मांगो वो देने को तैयार है, पिता कृपाल आ गया की नहीं, बार्क मुख मांगे सो दीनी। हम मांगते और चीजें हैं, इसीलिए बंधन में फंसे पड़े हैं, बंधनों का सामान मांगते हैं, आगे से आगे बनते जा रहे हैं। हाँ,
देखे सुने बस चल बोल हो जी। हाँ ये चीज महंगा खजाना ये लाते हैं वो नाम का इंजेक्शन। हाँ अगर फिर जपे फिर इसके छुटकारा हो जाता है। अगर बीज ही ना हो गोड्डी भी करो पानी भी दो सत्संग है पानी ये सिमरन है गोड्डी। अगर बीज ना हो तो उगेगा क्या बोलो उगेगा क्या बीज है ही नहीं दुनिया कर करके थक गई। अगर ठीक बीज हो फिर ये जपे सत्संग जाए तो आत्मा का बूटा हरा होने लग जाता है। ये काम क्रोध में जो सड़ रही है जुगों जुग से इसकी अग्नि बुझने लग जाती है। इसकी बजाय शील सीमा संतोष तीरज विवेक दीनता और गरीबी आने लग जाती है। गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं मेरे माधव जी सत्संगत मिले सतरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सुखे कास्ट हरिया। सुखे कास्ट क्या जैसे पानी ना मिलने से दरख खड़ सुख हो जाते हैं अगर उनको पानी मिलने लग जाए तो फूट आते हैं पत्ते निकलाते हैं टहनियां निकलाती हैं फूल लगने लग जाते हैं फल लगने लग जाते हैं। इसी तरह आत्मा भी खड़ सुख हुई पड़ी है उनकी सोबत में जाकर इसके अंदर से भी ये भी फूट आती है। इनको प्रेम की खुराक मिलने लग जाती है नाम की खुराक मिलने लग जाती है काम क्रोध की अग्नि बुझने लग जाती है। उसकी बजाय शील सीमा संतोष तीरज विवेक दीनता और गरीबी आने लग जाती है निशानियां मिलने लग जाती है। ऐसा सत्संग भागों से मिलता है। ग्रंथ साहब कहते कई कोट मांगा सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग कि लाखों करोड़ों आदमी चाहते हैं हमें सच्चा सत्संग मिले मल का प्यार और प्रेम मिले जिनको होए आप स्पर्शन नानक तेजन सदा तन तन जिन पे मालिक मेहर करे उनको ऐसा सत्संग मिलता है बाकी नहीं। हाँ सुनो भाई एक बात फिर भूल जाएंगे। एक घड़ी किसी की गिरी हुई मिली है वो निशानी बता दे ते ले जाए। घड़ी है किसी की गिरी हुई मिली किसी प्रेमी को समझे अगर सतगुरु आए वन जा रहा आज मेरे सतगुरु आए वन जा रहा हूँ ऐसो डाल फेर नहीं आवे ऐसो डाल फेर नहीं आवे मिले ना तू जीवारा हो मिले ना तू जीवारा मिलनी मुश्किल है। ये मुश्किल से मिलती है 84 लाख की है जून बहुत कद मिलती है। फिर ऐसा फकीर मिलना मुश्किल है अगर मिल जाए फिर भी कदर ना करे तो उस जैसा बेनसीब कौन होगा बोलो। हाँ इस जूनी के लिए देवी देवते तरस रहे हैं जिसको हम खराब कर रहे हैं। महात्मा चरणदास कहते हैं मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जगमाही है देवनु को कठिन प्राप्त नहीं है सकल देवा यही भांत मनोरथ नित करें मनुष्य जन्म को पाए के बहुत सागर करें। जब कोई किसी काल फकीर का चिताया हुआ जीव माल की दरगाह में जाता है वो रास्ते में देखते हैं ये जा रहा है हमारे से ऊंची मंजिलों में तो वो तरसते हैं कि हम भी आदमी की जूनी में होते हम भी अपने छुटकारे का बंदोबस्त करते। यही गुरु साहब कहते हैं 84 लाख जून सुबाई मानस को प्रापदी बढ़ियाई इस पौड़ी ते जो नर चुके सोए जाए दुख पाएंदा के 84 लाख जिया जून में। अगर मालिक के मिलने का कोई वक्त आए तो इंसानी जामा है इसीलिए इसको कहते हैं नाना रानी दे। मुसलमान कहते हैं अशरफुल मखलूकात। कुरान साहब ने कहा सारी जूनियर के सरदार है ये सब जूनियर के सरदार है ये अबर जून तेरी पनहारी इस धरती में तेरी सिकदारी क्यों सरदार है इसी में मालिक की प्राप्ति हो सकती है बाकी कोई टाइम नहीं। अब अगर ये हाथ से निकल गया वक्त फिर 84 तैयार है फिर पता नहीं कब मिले पहले भी गुजारते चले आए हैं फिर ऐसे गुजार जाएंगे क्या पता। 84 लाख जिया जून भुगतने के लिए जुगों के जुग बीत जाते हैं। अगर नरकों में चला जाए एक एक नरक में जुगों के जुग पड़ा रहता है अगर स्वर्गों में चला जाए जुगों के जुग एक एक स्वर्ग में पड़ा रहता है।
यहाँ देख लो आदमी की उम्र है 50, 60 साल, 70, 80, 90। सांपों की उम्र बताते हैं 2-2, 3-3 सौ साल की। अमेरिका में एक दरख्त खड़ा है, हमारे पास फोटो भी उसकी आई है, 4,000 साल का। बोलो हम तो चलते फिरते हमारी जैसी रूह है, 4,000 साल कैसे कैद खड़ा? बोलो कब मिली आदमी की जूनी? बोलो हाँ का रूप क्या है? प्रेम, गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। प्रेम भी कहो, नाम भी कहो, शब्द भी कहो, एक ही चीज के नाम है। बाहर तो लफ्ज अलग अलग हैं, अंदर एक चीज है। ग्रंथ साहब कहते हैं प्रेम पदार्थ नाम है भाई, माया मोह बनास, मोह माया से परे चले निकले, ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करे, तब उस प्रेम का पता चलता है, तब उस नाम का पता चलता है। अंदर एक चीज है, मल का रूप क्या है? प्रेम। प्रेम ही मल के मिलने का जरिया है। साच कहूं सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। यही तुलसी साहब ने कहा है, प्रेम किया तिन ही प्रभ पाया, बिना प्रेम कुछ हाथ ना आया। प्रेम के मुकाबले में कोई कर्म धर्म जप तप तीर्थ व्रत नहीं। महात्मा चरणदास कहते हैं प्रेम बराबर योग ना, प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भक्ति बिन साध हुआ साबित होता ध्यान। प्रेम छुड़ावे जगत को, प्रेम मिलावे राम, प्रेम करेगा तौर ही ले पहुंचे हरिधाम। कितने कर्मी धर्मी थे जंगल में? बोलो रामचंद्र को ढिलने के पास गए, क्या चीज ले गई? प्रेम। वो क्या जानती थी? बोलो प्रेम और दीनता। इसी तरह अंदर भी प्रेम और दीनता से जाता है, अंदर भी प्रेम और दीनता से जाता है। जोगी जंगम जोड़ा सन्यासी और दरवेश, बिना प्रेम पहुंचे नहीं दुर्लभ सतगुरु देश। ग्रंथ साहब कहते हैं माई रे मेरे मन की प्रीत, यही कर्म धर्म जापे ही राम नाम है निर्मल रीत। बस प्रेम ही सब कुछ है। अब सवाल पैदा हुआ, मालिक हमने देखा नहीं, प्रेम कैसे करें? सोचो मालिक जो देखी नहीं चीज, उससे उसके साथ प्रिया नहीं आता।
जो चीज देखी नहीं उसका प्यार नहीं आता, मालिक हमने देखा नहीं उसका प्यार कैसे पैदा हो। कई लोग कहते हैं खिलकुल से प्यार करो तो उसका प्यार आ जाएगा, आप कामी से प्यार करो तो आपके अंदर काम की लहरें आ जाएंगी, क्रोधी से करो क्रोध सीखोगे, शाबी क्वाबी से करो शाब क्वाब पीना सीखोगे। सोच लो प्रेम के काबिल कौन है? संत जन, जिन्होंने अंदर मल का प्रेम कमाया है, उनके अंदर प्रेम ही प्रेम है और कुछ भी नहीं, वो प्रेम के काबिल हैं। ग्रंथ साहब कहते हैं नदरी आवे तिस मोह, क्यों मिलिए प्रभरमाशी तोय, कर कृपा मोह मार पावो साथ संगत के अंचल लावो। कह मालिक जो कुछ इन आंखों से नजर आ रहा है हमारा इन चीजों से प्यार है, तेरा प्यार कैसे हासिल हो? कोई ऐसे साधु मिलाओ जिनके जरिए तेरा प्यार आए, अगर ऐसा कोई साधु मिल जाए उनका प्यार ही आगे ले जाता है। यही बुल्ले शाह ने कहा है जितना इश्क मजाजी लागे सुई ना सिवे बिन तागे, इश्क मजाजी दाता जी पीछे मस्त हो जाता है, पहले देह से शुरू होता है फिर आत्मा में घुल मिल जाता है। ये ईसा ने कहा है लव बिगिंस इन द फ्लैश एंड एंड्स इन द स्पिरिट, पहले देह से शुरू होता है उनका प्यार ही आगे ले जाता है। तभी आप फकीरों की हिस्ट्री पढ़ के देख लो, अगर कृष्ण भगवान में तो गोपियों ने उनका प्रेम कमाया, सोच लो गुनान साहब वालों ने उनका प्रेम कमाया, पंडित साहब ने उनका प्रेम कमाया, वो प्रेम ही आगे ले जाने वाला है, उनके अंदर मालिक का प्रेम है, उनकी सोबत में आपके अंदर भी मालिक का प्रेम जाग आएगा। सुबर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साथ के संग, उनकी सोबत में जाकर मालिक का प्रेम जागता है, दुनिया से बैराग पैदा होता है और कोई जरिया नहीं। क्या कहते हैं ये धर्मदास का है, प्रेम भक्ति की हाट खोल दी, उनके जरिए सीखा जाता है प्रेम मालिक का। ये हीरा जो आ रहा था जिसको मालिक का प्रेम आ गया समझो मालिक आ गया। हाँ प्रेम ही रुलाता था मीरा को, क्या थी बोल सोच लो। हाँ जितने पंथ हैं जितने भेख हैं सब प्रेम से खाली हैं, गुरु साहब ने कहा सीधे नरकों को जाते हैं। पंथा प्रेम न जानी भूली फिरे गंवार, नरक हर विसराए के पौंदे नरक अंधार, दुई में पड़े हैं। ये गुरु साहब का वचन है पूर्ण ताकत का, कभी खाली नहीं जाता। वो कहता हम बड़े, वो कहता हम बड़े, वो कहता हम ठीक है, वो कहता हम ठीक है, इसी में फंस गए सारी दुनिया, मैं फंस गई। हाँ जागर साथ संगत नहीं होती, जागर साथ संगत नहीं होती, मगर काल पसारा हो, मगर काल पसारा हो, आठों पैरों पाती रहती, आठों पैरों पाती रहती, जाए जम के द्वारा हो, जाए जम
कहते हैं कि जिस घर में सतगुरु का भजन नहीं, साध संगत नहीं आती जाती, वो साध संगत में नहीं आते चाहे कितनी शांति है भजन शरण में, सतगुरु भक्ति में। कहते जिस घर में सतगुरु की भक्ति है, सतगुरु की चर्चा है, साध संगत में जाते हैं चाहे गरीबी है, आठों पैर सोलवा साजे, क्या खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, वाह खुशी खुशी है, खुशी भजन शरण में है, अंदर नाम के प्रकट करने में है, सतगुरु के प्रकट करने में, बाकी कहीं खुशी नहीं। नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे तृप्ति जीवास। अगर अंदर नाम को प्रकट हो जाए तब शांति है, नहीं शांति नहीं। हमारे पास एक नामधारी आया, वो कहने लगा मैं सत्संग भी करता हूं, नाम भी देता हूं, लोग 16 पैरों में अखंड पाठ करते, मैं 7 पैरों में कर सकता हूं, मगर अंदर शांति नहीं। शांति कहां से आया, जल्दी जल्दी पढ़ा, जो वाणी कहती है वो तो विचारा ही नहीं। अगर अंदर नाम को प्रकट करें तो शांति आए। मीरा ने किया तभी लिखती है ना, पायरे मैंने नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रे समायो। वो नाम अंदर आया, वो इस दुनिया की चीज नहीं, इस जग में नाम अलभ है, गुरु से मनाए, वो अंदर जाकर मिलता है। काय नगरी में मंगल चढ़े जो गीता नाम पल्ले पाए, वो इसके अंदर है ना, वो लिखने पढ़ने की चीज नहीं। नाम डोर को नहीं जानता, ने अक्षर ने रूप दृष्ट नहीं आता, वो फकीरों के जरिए अंदर प्रकट किया जाता है। पर सब कहते हैं संत स्ने ही नाम है, नाम स्ने ही संत, नाम स्ने ही संत, नाम से वही मिलावे, वह है वाकुकार मिलती राह बतावे। जब तक तीर्थ व्रत करे बह तेरा कोई, बिना मसीले संत नाम से भेंट ना हुई। पलटू ए है प्राण पर आद सिद्धि और अंत, संत स्ने ही नाम है, नाम स्ने ही संत। जुगन जुग से एक ही तरीका है, जब भी मिलेगा संतों के जरिए, वो नाम एक गुप्त वस्तु है, सबके अंदर है। गुप्ता नाम वर्ते विच कल जू कट कट हर पर पूर रहा। एक भी सब कहते हैं कोटी नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, आद नाम जो गुप्त है पूज्य बिरला को, किसी बिरले ने अंदर प्रकट किया है, उनके जरिए सीख सकते हैं। डॉक्टरी सबके अंदर है तो सबके अंदर है, मगर जो डॉक्टरों के पास बैठेगा उसके अंदर प्रकट हो जाएगी सीख कर। वो नाम भी सबके अंदर है, इसी तरह फकीरों के संग में जाकर वो अंदर प्रकट किया जाता है, वो शांति देने वाला है, इसके अंदर है। हाँ
शब्द नाम वाणी एक ही चीज के नाम है। पाना पाना कहते किसी की मौत को, मौत कब जाहिर होती है? जब हुक्म करे। हुक्म ने सब कुछ बनाया, हुक्म हवन आकार, हुक्म न क्या जाए, हुक्म हवन जिया, हुक्म मिले वड़ियाई। हुक्म कब जाहिर होता है? जब बोले शब्द, शब्द धरती, शब्द आकार, शब्द शब्द है प्रकाश। शब्द की लहर को कहते हैं नाम, नाम के धारे सगले जान, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। वो मालिक सच्चे की एक आवाज है। गुरु नानक साहब मिठन कोट गए, वहां मियां मिठा फकीर मिला, वो कर्मी धर्मी था। तो गुरु नानक साहब ने फरमाया, मियां मिठा सच्चे नाम के बगैर जीव का कल्याण नहीं, जीव बंधनों में रहता है। वो कहने लगा, जी सच्चा नाम क्या चीज है? कि सच्चा नाम एक मूलक वस्तु है, कहने सुनने से परे है, फिर भी जी कुछ तो बताओ। कि कहने वाली चीज ही नहीं, अनुभव की चीज है, फिर भी कुछ तो बताओ। एक तरफ ले गए, कहने लगे सुन भाई तुम्हें सुनाई देता है कुछ? के जी नहीं। अब कर्म धर्म से हृदय साफ जरूर हो जाता है, लेकिन अगर साफ बर्तन में कोई चीज ना डाले तो क्या फायदा? हृदय साफ था, गुनान साहब ने तवज्जो दी तो कहने लगा, मुझे ऐसा मालूम होता है कि मेरे रोम रोम में नाम की लहरें चल रही हैं, रोम रोम रवे हर नाम। वो रेडियो वेव्स की तरह सब है, सब जगह है, वो कुदरती आवाज है, उसके सुनने का जरिया इसके अंदर है, उसके सुनने का जरिया इसके अंदर है, है सब जगह। ये वो पार है, इस नाम को प्रकट करना ये सच्ची दरगाह में ले जाता है, बाकी कोई ले जाने वाला नहीं। हजारों कर्म धर्म कर ले, छुटकारा नहीं। जिया रे ओला नाम का, अवर जे कर्म कमावने तिन में भवा जम का। गुरु अमरदास 72 साल की उम्र तक जाप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे, 21 बार गंगा स्नान को गए, फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए, 12 साल कड़ी से कड़ी सेवा की, दिन को सेवा करना, रात को किल्ली से केस बांधना, फिर भजन अभ्यास करना। जब मालिक की प्राप्ति हुई तो वो लिखते हैं, हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कछु ना जाई, संतो गुरुमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। कैसे तो सारी दुनिया ही मालिक की पूजा करती है, लेकिन जो असली पूजा है वो दुर्लभ है। वो क्या है? अगर इसको कोई पूरा गुरु मिले, पूरा फकीर मिले, वो कहेगा तेरे अंदर सच्चा नाम है तो उसकी पूजा कर, उसको प्रकट कर, वो मालिक की दरगाह में पहुंचाने वाली है। बिन नामे और पूजना हो गई परम कुली लोकाई, कि नाम के बगैर जितनी पूजा है सर परम है, कोई छुटकारे वाली नहीं। सोदत सोदत तत्व विचारे भक्ति श्रेष्ठ पूरी, कहो नानक एक राम नाम बिन अवर सगल विधि उरी। जो रमे हुए नाम की है वो असली भक्ति है, यही महात्मा चरणदास कहते हैं। चार वेद किए व्यास ने अर्थ विचार विचार, तामे निकसी भक्ति ही कौन सी, राम नाम तत्सार रमे हुए नाम की। फिर कहते हैं नाम लेना ले कई बार जो यज्ञ करे योग करे चितलाए, चरणदास का नाम बिन सभी का ले जाए। सोच लो पूर्ण ताकतों के वचन है, कभी ख्याल ही नहीं किसी ने किया, बस इतने हो गया, याद आ गया। पुन दान जब तक देते सब ऊपर नाम, ये भक्ति छुड़ाने वाली है। यही कहते हैं धर्मदास कि ये व्यापार करने आए थे हम, इसके बगैर सब ही थोथे व्यापार हैं, सब घाटे के हैं। हाँ
कभी किसी ने काशी पीतल बेचा, किसी ने सोना चांदी बेचा, किसी ने कपड़े बेचे, ये तो विषय विकारों के हैं। अगर भक्ति की तरफ भी आया तो कर्म धर्म जप तप किए, किसी का छुटकारा ना हुआ वो भी घाटे के हुए ना हुए, बोलो। ग्रंथ साहब ने लिखा है, कर्म धर्म पाखंड जो दिसे तिन जम जागाती लूटे, निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जो छूटे। निर्वाण कीर्तन का हो, शब्द गुरु का हो, सच्चे नाम की भक्ति का हो, एक ही चीज के नाम है। कर्म धर्म तो रास्ते में लूट लेते हैं जमदूत, इसको पता नहीं। यहाँ पुलिस किसको पकड़ के ले जाए, वो कहता भूख लगे, वो कहते हैं जेब से निकाल पैसे, प्यास लगी है निकाल पैसे, थाने तक जेब खाली। अंदर भी ऐसे ही हाल है, जितने कर्म धर्म रास्ते में लूट लेते हैं। एक मुसलमान की ने भक्ति की, जब धर्मराज के पेश हुआ तो उन्होंने कहा ले जाओ इसको सुरखों में। वो कहने लगा जी मेरी भक्ति का बस यही फल है। कहने लगा ले जाओ नरकों में। जब नरकों की तरफ लेकर गए तो वहां प्यास लगी, पानी मांगा तो उन्होंने कहा भाई जितने कर्म धर्म किए उसका फल दे दे, पानी ले ले। लाचार देना पड़ा, धर्मराज के पेश किया, बस तेरी भक्ति ये है। वो रास्ते में लूट लेते हैं, सोचो अगर इसका कोई इतवार ना करे। पहले तो पूर्ण ताकत का वचन है, इतवार के काबिल है। हम कर कर के थक गए, हमारा छुटकारा हुआ, सोचो। कहते ये व्यापार है, इसमें हाट जुगाती रोक ना सके, कोई रोकने वाला नहीं, जगह जगह पैरे लगे हैं ना, यहां भी जुगाते हैं, कहीं बैरियर हैं वहां भी बैरियर लगे हुए हैं। वो कहते हैं ना शब्द घोगड़ा सिरे, जल थल जीव सकल में व्यापक, इस घोगड़ की घाटा वहां भी घाटे लगी पड़ी हैं, इसको पता नहीं है? बोलते हैं ना इस घोगड़ की घाटा वहां भी लगी पड़ी हैं, लेकिन इस व्यापार को कोई रोकने वाला नहीं। ये ऐसा व्यापार है सच्चे नाम का, इसको कोई रोकने वाला नहीं। हाँ गवर्नमेंट के अफसर या कंपनियों के भर्ती करते हैं ना, जब भर्ती करते हैं तो क्या करते हैं,
भर्ती करके उनकी लिस्ट दफ्तर में भेज देते हैं, हेड ऑफिस में, ठीक है, फोटो भी भेज देते हैं, इनको भी चिट्ठी दे देते हैं, तो उनकी जिम्मेवार गवर्नमेंट है फिर, ठीक है। इसी तरह जब मालिक की दरगाह से फकीर आते हैं, जैसे ये मोरे लगा के देते हैं, दफ्तर में लिस्टें भेजते हैं, वहां भी लिस्ट जाती है इनकी, उन पे भी मोरे लगती हैं, जो कोई संत सन के दागी तिनते काल दूर हो भागी, जम की जाल निप नहीं आवे मार्ग छोड़ अलग हो जावे। वो चौथे लोग से आते हैं, वो मालिक की दरगाह में भर्ती करते हैं, जैसे डायरेक्ट कर लेते हैं ना तहसीलदार, डायरेक्टर क्या कहते हैं, सिविल सर्विस के आदमी भर्ती कर लेते हैं ना, एसडीओ वगैरह, इसी तरह वो भी यहाँ भर्ती करने आते हैं अधिकारी जीवों को, जिनको नाम देते हैं उनकी लिस्ट मालिक की दरगाह में जाती है, उसकी चौथे लोक वाले जिम्मेवार हो जाते हैं। ये समझो जैसे हरियाणा का कोई मुलाजिम हो या पंजाब का मुलाजिम हो, सेंटर में चला जाए, उनकी लिस्ट सेंटर में चली जाती है, उनको हिसाब पूछने वाला कोई नहीं। सोच लो जम पर अदल हमारी हो, जो लेने देने हैं वो तो खत्म करने पड़ेंगे, अगर गुनाह करेगा तब भी सेंटर से पूछ के सजा देते हैं ना, बस वहां से पूछ के मालिक की दरगाह से काल सजा देगा, ऐसे नहीं। गुनाह साहब का एक जीव था, उसने खोटे कर्म किए, चिताया हुआ गुनाह साहब का था, नरकों में गया फिर भी गुनाह साहब निकाल के लाए, छोड़ा नहीं। जिन पे मोहर लग जाती है वो उसका महकमे बदल जाता है, जो कोई संत सन के दागी तिनते काल दूर होए भागी, जम की जाल निक नहीं आवे मार्ग छोड़ अलग हो जावे। यही गुनान साहब कहते हैं, जे जी अडन कोई लाए ना जगात, सतगुर कर देनी धुर की छाप। यही मुसलमान फकीर कहते हैं, तुरा बरोज हिसाब ये अमर शब्द मालूम, के बूद सल्तनत है बेहिसाब दरवेशी, कि जब तेरा हिसाब का दिन आएगा तो तुम्हें पता चलेगा कि दरवेशों की सल्तनत में, दरवेशों के दायरे में धर्मराय को ताकत नहीं के हिसाब भी मांग सके। सोच लो ये धर्मदास का शब्द है, कबीर ने ऐसी मोहर लगाई है कि कोई पूछने वाला नहीं, कहते हैं। हाँ चल जाए कि सौदे में घाटा नहीं, तो जितनी रकम हमारे पास है उसका सौदा खरीद लेते हैं, जेवर भी बेच देते हैं, उधार भी ले लेते हैं। सोच लो, कहते ही ऐसा सौदा है मैंने किया है
कि अंदर सतगुरु सतगुरु रख ले, सच्चे नाम का व्यापार किया, बाकी सब कुछ छोड़ दिया, सब ख्याल निकाल दिए, ये कोठा भर लिया सब, अंदर सतगुरु सतगुरु रखा, नाम का व्यापार रखा, बाकी कुछ भी नहीं रखा, ऐसा व्यापार किया है, इसमें घाटा ही नहीं नफा ही नफा है। हाँ ये कीमती बात है। हाँ सुनो, हाँ लख चौरासी जुआ जिया जून, लख चौरासी जिया जून में, लख चौरासी जिया जून में, इनसे राह आरी हो। ये रास्ते अलग है, 84 लाख जिया जून है, उसमें 30 लाख किस्म के दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे हैं, 14 लाख किस्म के पंखी हैं, 9 लाख किस्म के पानी के जीव हैं, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जच किन्नर गंधर्व देवी देवते इंसान और हैवान है, देवी देवते इसमें आ गए, कति रास्ता ही लग गया, सोचो इनसे राह न्यारी हो, ये रास्ता ही लग गया, ये तो काल के दायरे के हैं, ये रास्ता ही लग गया, यही गुनान साहब ने लिखा है, जय पेंडे लुट्टी पनहारी सो मार्ग संतन दोरारी, वो संतों का रास्ता ही लग है। हाँ चौथे लोग का रास्ता ही लग है। हाँ कहते इसमें घाटा ही नहीं, कारो पांडव ने बाजी लगाई ना, द्रौपदी को हार गए, करो ले गए, कहते ये बाजी ऐसी है, इसमें घाटा ही नहीं, अगर थोड़ा भी भजन से बनाया, अगर तो जीत गया फिर तो राम बन ही गया, अगर हारा तो राम को ही हारा, राम ही ले जाएगा और कौन ले जाएगा, हाँ वो तो करो लेगा ही, राम ही ले जाएगा, हाँ इसमें घाटा ही नहीं। हाँ जी लाख चारा ये पलटू ने लिखा है, ये धर्मदास क्या सुनो, इनसे राने आरी वो लख चौरासी जिया जून से, इनसे राने आरी वो साहेब कबीर सा ऐसा बणज किया, साहेब कबीर सा ऐसा बणज किया, रास्ते को सब भूले हुए हैं। ओ बोल भाई भूले, ये जगजीवन साहब का है, सुनो। बिना नाम ना
राजे भी भूले थे, शाहूकार भी भूले थे, अब भक्ति की तरफ आते हैं कि जोगी जोग जुगतों में भूल गए, ऐसे मुद्रा पहनते हैं, ऐसे माला पहनते हैं, ऐसे ये करते हैं, वो करते हैं, रितों में फंस गए, श्री नाम को प्रकट ही ना किया। हाँ, अठासी हजार साल तप किया, मन कब बुनाया। रामचंद्र जी शिष्य को कहते हैं,
कि अगर ये कोई कहे कि मैंने हिमालय उठा लिया है सिर पर, है तो मुश्किल, कहते दो मिनट के लिए मैं मुंह मार लूंगा, शायद कोई ऐसा बहादुर हो जिसने उठा लिया हो। अगर कोई कहे कि मैं समुंदर पी गया है तो मुश्किल, मानने वाली बात नहीं, फिर भी मैं मान लूंगा, शायद कोई ऐसा बहादुर हो। अगर कोई कहे कि मैंने हवा को रोक लिया है तो मुश्किल, ये भी मान जाऊंगा। अगर कोई कहे मन को और काबू कर लिए, मैं मानने को तैयार नहीं। इसके काबू करने की चीज इसके अंदर है, वो नाम का रासा है। मन मुसा पिंगल भया पी पारा हर नाम, बिन गुरु शब्द मन निठौरा। जब वो शब्द का नाम का रस लेता है तब ये काबू आता, नहीं तो काबू नहीं आता। हजारों जतन कर ले काबू नहीं आता। देख लो पूर्ण योगी होकर आया प्राचर, 88,000 साल तप किया, 60,000 साल तप किया, किसी काबू आया? कर्म धर्म जप तप वगैरह किया, किसी के काबू आया? सोच लो बगैर नाम के रास के ये काबू नहीं आता। कि ये गफलत छोड़ दो, बगैर नाम के किसी ने सुख नहीं पाया, किसी ने सुख नहीं पाया। नाम की असली भक्ति, शब्द रूप कह लो नाम कह लो एक ही बात है, ये असली भक्ति है। हाँ ये काबू करने वाली है। हाँ किसी मन की मेड़े साफ हुई, काम करो लोगों कर घटे। वो जो मन की मेड़े साफ करने वाला तीर्थ है वो इसके अंदर है, नाम का तीर्थ। 68 तीर्थ नाम है किले कटनारा, वो प्राग इसके अंदर है। ईड़ा पिंगला सुखमना तीन वसे कठाई, बैणी संगम ते प्राग मनोरंजन करे तिथाई, वहां नाम का तीर्थ है। ये हमें मिसाल दी बाहर, प्राग पे जाओ तीन नदियों का संगम है। फकीरों ने अंदर देखा, ईड़ा पिंगला सुखमना ये तीन नाड़ियां हैं, यहाँ के संगम है, वहां प्राग है, वो असली जो मैड़े साफ करता है आत्मा की, वो अमृतसर वहां है। काय अंदर अमृतसर सच्चा मन पीवे पायसवाई हो, वो सब मैड़े साफ करता है। वाणी में हम रोज पढ़ते हैं, पर ये हाथ पैर तन दे पानी धोते उतर उसके, कि अगर हाथ पांव मिट्टी से खराब हो जाए तो पानी से धो लो। मूत पलीती कपड़ो दे साबुन लगे तोए, टट्टी पेशाब से कपड़े खराब हो जाए साबुन लगा के धो लो। पर ये मत पापा के संग, वो तो पर नामा के रंग। जो पापों की मैल है वो नाम के तीर से साफ होती है, वो इसके अंदर है। सब फकीरों की एक ही तालीम है, जो असली चीज है वो तो छोड़े बैठे हैं। हाँ चरणदास ने ये कहा है, 68 तीर्थ तो विखे बाहर क्यों भटकाए, चरणदास यूं कहता उल्टा हुए घटाए। विष्णु की किताबों में यही है कि 68 तीर्थ घटी भीतर। हाँ हाँ जी गुरु के
मसालें दे दे समझाया। अब ये खेती की मसाल देते हैं, कबीर साहब का शब्द है, खेती की तरह मसाल देते हैं, कैसे नाम को प्रकट किया जाता है, सदगुरु को प्रकट किया जाता है, बंदर मेवा कैसे खाया जाता है, जैसे हम खेती करते हैं ना, ऐसे वो समझाते हैं। सुनो, हाँ संतारे सारे ने और जो मेवे हैं वो तो मौसम के लिहाज से हैं, संतरा है, माल्टा है, आम है, सब मौसम के लिहाज से हैं, बाजरी है, गंदम है, सब मौसम के लिहाज से हैं, लेकिन संतों के शरण में एक ऐसा मेवा मिलता है जो हर महीने में तैयार, जेठ हो, जेठ की गर्मी हो, बरसातों के दिन हो, सर्दी हो, सख्त से सख्त पोह माह का महीना हो, हा? वो मेवा तैयार मिलता है। हा? बोले समझ में आती है। मारवाड़ी है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये मारवाड़ से लाए हैं शब्द सारे। हाँ जी, उनको कहना भाई तुम ही बोलो, हमारी तो बोली उनको समझ नहीं आती थी, वो बोलते थे फिर हम समझ के उनको बता देते थे, ये बात है। हाँ, हाँ जी, मेरा
खुश होती है तो फिर क्या, मोर बोलते हैं, पपीहे बोलते हैं, मेंढक बोलते हैं, इसी तरह ये भी सिमरन करे इसके अंदर भी धुनें आने लग जाती हैं। हाँ हाँ जी, आप क्या करते हैं, डोरे बांधते हैं, फिर क्या करते हैं, फसल में से घास फूस निकालते हैं। इसी तरह तुम भी डोरे बांधो सिमरन की, घास फूस क्या, काम क्रोध को दूर हटाओ, विषय पकारों में जाने ना दो मन को, ये घास फूस निकालो, गंदे ख्याल निकालो, दुनिया के ख्याल निकालो, एक सिमरन सिमरन राजा मालिक का। अगर बाजरी की फसल बीजी है कोई और है तो सब बाकी बूटे निकाल के बस बाजरी बाजरी रह जाए, एक सदु सदु रह जाए, बाकी सब ख्याल निकाल दो। हाँ तैयार हो जाता, आप क्या करते हैं, ढांचा बांधते हैं ना, बस ढांचा बांधते हैं ना, ढांचा क्या कहते हैं, ढांचा माला, हाँ ढूंचो, क्या ख्याल यहाँ आंखों के पीछे इकट्ठा यहाँ खड़ा करो, फिर इधर उधर देखते हैं कि चिड़िया ना आ जाएं, कभी इधर टाट बजाते हैं, कभी इधर टाट बजाते हैं, कभी इधर टाट बजाते हैं, चारों तरफ निगाह रखते हैं ना, कभी उधर से चिड़िया उड़ाई, कभी उधर से, कभी उधर से, इसी तरह कुब्ध चिड़ी को दुनिया के ख्याल ना आने दें, विषय विकारों के ना आने दो, उड़ाओ उनको, फिर फसल तैयार होगी। हाँ तैयार है, उसको काटो और घर में रख लो, बस फिर बेफिक्री हो गई साल भर की, बस इसमें बेफिक्री हो गई, नाम का खजाना इकट्ठा कर लो, वो खेती कर लो, अपने घर में रखो, मौज करो, फिर कह दो मीरा की तरह, पाए मैंने नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले, मन आनंद रे समायो, जिसकी चोरी कबू ना हो ऐसा धन मैंने पायो, खर्चू लाख खत्म नहीं हुए, दिन दिन बढ़ सवाए, वो ऐसा धन है, बस फिर बेफिक्री है। हाँ तारे सारे